थ्री देखिए, इसे भी बनाते हैं। दिए गए असमिकाओं के संगत रैखिक समीकरण, क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यह हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो ये दोनों के लिए यहाँ पे हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे को देखते हैं इसका आलेख। चलो दो दो सॉल्यूशन चाहिए ना कम से कम। चलिए भैया ये हो गए एक्स वाई, देखो यहाँ एक्स की जगह जीरो रख दो तो वाई का 6, और वाई की जगह जीरो रख दो तो एक्स का 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक्स का 0 वाई का 3 आ जाएगा, ठीक है, और वाई का 0 एक्स का 4 आ जाएगा। चलो तो अब इसके लिए यहाँ पे इसका आलेख यहीं पे बन जाएगा, काम हो जाएगा यहीं से, ठीक है। यहाँ एक्स ले लेते हैं, यहाँ एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। चलिए देखते हैं क्या है, एक्स का 0 वाई का 6, 0 6 3 0, दोनों से ऊपर जाने वाली रेखा डार्क लेंगे क्योंकि इक्वल भी है, ना, चलिए ग्रेटर और इक्वल दोनों है। यह हो गया 2x प्लस वाई बराबर 6 के लिए। दूसरा देखो 0 3, एक्स का 0 वाई का 3, 4 0, और इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा यहां से खींच देते हैं, ठीक है, और इसका भी समीकरण लिखना होगा, डार्क ही होगी क्योंकि इक्वल भी है और लेस देन भी है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब देखो 0 0 पर असमीकरण को चेक करेंगे। चलिए पहले वाली को चेक करते हैं, पहले यहां पर रखते हैं 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 0 6 से बड़ा होगा, यह सत्य है। दूसरे वाले को देखो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल और इक्वल टू 2, 12। चलिए तो ये तो बिल्कुल सत्य दिख रहा है। ये देखिए ये वाला असत्य है, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वाला असत्य, यानी यह असत्य हो रहा है। तो इसके बाहर और इसके अंदर यह ट्रू हो रहा है, दूसरा वाला यह ट्रू हो रहा है, तो इसके अंदर और इसके बाहर, यानी यह वाला एरिया होगा कॉमन एरिया, इसी को रंग देंगे, इसी को डार्क कर देंगे, समझ गए ना। या एक और काम करना, इसके अंदर सारा रंगना, इसके अंदर बाहर रंगना पूरा, और जो कॉमन दोनों में दिखेगा उसी को डार्क कर देना, समझ गए ना। चलिए अगला।